नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट सोनू कुमार मिश्रा। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किया है, बहुत ज़्यादा पूछा है कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आप मेडिसिन कौन कौन से ले रहे हो। एंड इस वीडियो में मेडिसिन के नाम तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मेडिसिन पे कितने रुपए खर्च करने होते हैं, मेडिसिन कब तक आपको लेनी होती है, कितने महीने तक या कितने वर्ष तक या लाइफ टाइम, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। उससे पहले बता दूँ, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोज बनाने के लिए। मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, कितने ग्राफ्ट लगे, कौन सा क्लिनिक था, सब कुछ मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। यदि आप ये सब जानना चाहते हो तो आपको ये वाली वीडियोज देखनी चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिल जाएंगे। एंड आपको मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का मेन वीडियोज पूरा प्रॉपर फुल प्रोसेस देखना है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, आपको वहाँ पर पूरा फुल प्रोसेस दिख जाएगा, जो मैंने अंदर की बातें बताई है जो अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया था। अब देखो, बात करूँ कि मैं मिनोक्सिडिल कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा मिनोक्सिडिल जिसका नाम है फॉली बूस्ट। इस फॉली बूस्ट मिनोक्सिडिल को जो है आप लोग यदि चाहोगे तो मैं प्रॉपर तरीके से इसका रिव्यू कर दूंगा कि क्या फ़ायदे हैं इसको लगाने से और अदर मिनोक्सिडिल एंड इसमें क्या अंतर है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। बात करूं मैं इसके प्राइस का, तो ये है 650 रुपये का एंड मार्केट में बहुत ही ईजिली जो है अवेलेबल भी है, ये आपको फ्लिपकार्ट भी मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, यदि आप इसको मंगवाना चाहते हो तो आप परचेज वहाँ से कर सकते हो। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ कि मिनोक्सिडिल तो ये मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, सुबह शाम यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है आप लोगों ने पूछा होगा कि क्या मैं फिनास्ट्राइड ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल फिनास्ट्राइड ले रहा हूँ एंड ये है मेरा फिनास्ट्राइड डेकाफिन का, जिसमें जो है 30 कैप्सूल होता है प्रॉपर तरीके से। एंड इसका जो प्राइस है उसकी मैं बात करूँ तो इसका 65 रुपये जो है 10 कैप्सूल जो है इसका प्राइस है, एंड टोटल की बात करूँ उसमें 30 कैप्सूल विद्यमान है, 30 कैप्सूल उपस्थित हैं, तो इसका जो टोटल प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 195 अर्थात 195 रुपये। अब मैं जो अगला बताऊँगी, देखो मिनोक्सिडिल हुआ, फिनास्ट्राइड हुआ एंड साथ ही साथ डॉक्टर ने जो है मेरे को एक दिया हुआ है बायोटिन, जो बायोरूट्स करके है, जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है, इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपये। एंड मैं टोटल करके बताऊँ आपको तो टोटल जो मेरा जो है मेडिसिन के ऊपर खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 1350 रुपये ऑलमोस्ट। देखो 1-2 रुपये कम है इसमें जब इसको ऐड करोगे, क्योंकि जो है 650 रुपये का हो गया है आपका मिनोक्सिडिल फॉली बूस्ट एंड आपका जो है 499 रुपये का हो गया बायोरूट्स बायोटिन की जो टैबलेट है एंड आपका 195 रुपये का हो गया, अर्थात 200 रुपये मान लो इसको, 500 रुपये मान लो बायोरूट्स को, तो 500 और 200 700 हो गए, 650 का हो गया ये, तो 1350 रुपये आपके टोटल मेरे जो है मेरे मिनोक्सिडिल बायोरूट्स और फिनास्ट्राइड अर्थात आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मेडिसिन के ऊपर खर्च हो रहा है। अब देखो, यदि मैं आपको एक एवरेज बताऊँ कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आपको मेडिसिन पे कितना खर्च करना पड़ेगा, तो ये मान लो कि 1300 से लेकर 1500 के बीच में आपको मिनोक्सिडिल और इन दवाइयों के ऊपर आपको आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मेडिसिन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अब मैं बहुत सारे लड़के ऐसे ही पूछते हैं कि भाई मेडिसिन यूज़ कब तक करना है, तो इसका बहुत सिंपल सा जो है जो आंसर है वो ये है कि 6 से 9 महीने तक आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना पड़ता है। कई बार लड़के बोलते हैं, कई बार ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो बोलते हैं कि लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो, डॉक्टर का लाइफ टाइम का कहने का मेन मकसद ये होता है कि जो है प्रॉपर तरीके से कम जब तक वो यूज़ कर रहा है तब तक वो यूज़ कर रहा है प्रॉपर तरीके से, जिससे कि उसका रिजल्ट एक बार ही आ जाए। एंड लाइफ टाइम यार कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है भयंकर, कोई किसी को डायबिटीज़ या फिर शुगर वगैरह किसी को नहीं हो रहा कि जो है उसको लाइफ टाइम वगैरह यूज़ करना पड़ा, कोई थायराइड वगैरह से बड़ी बीमारी नहीं है, तो ये चीज़ें जो है आपको ऑलमोस्ट, लेकिन कम से कम मेडिसिन जो है आपको 6 से 9 महीने यूज़ करना पड़ेगा। एंड मैं टोटल स्पेंड की बात करूँ कि आपको जो है मेडिसिन के ऊपर कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो अब एक एवरेज मान के चलो 10,000 रुपये आपको मेडिसिन के ऊपर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट भी खर्च करना पड़ सकता है और पड़ेगा। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलते फिर ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।